नमस्कार। हिमाचल अभी .com से मैं पल्लवी शर्मा, पेश है आज के मुख्य समाचार। कोविड-19 के बीच हुए स्वास्थ्य घोटाले में कांग्रेस विधायक दल ने सीएम जयराम से मांगा इस्तीफा। कांग्रेस के इस्तीफे की मांग के बीच जयराम कैबिनेट की बैठक कल। जयराम बने बेस्ट परफॉर्मिंग सीएम, बीजेपी शासित राज्यों में भी सर्वश्रेष्ठ घोषित। हिमाचल में TGT के 554 पदों पर बैचवाइज भर्ती की प्रक्रिया शुरू। पटवारी भर्ती परीक्षा मामले में प्रदेश सरकार को बड़ी राहत, याचिका खारिज। हिमाचल में कोरोना संक्रमण के 12 नए केस, हमीरपुर मंडी से 2-2 पॉजिटिव। कांगड़ा में कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए शख्स की पत्नी को भेज दिया था घर, प्रधान को भी नहीं दी जानकारी। कार सिखाने के बहाने सुनसान जगह ले जाकर किया चचेरी बहन से दुष्कर्म। गोहर में 7वीं कक्षा की छात्रा ने फंदा लगाकर समाप्त की जीवन लीला। शिमला में बारिश का कहर, दुकानों में पानी घुसने से हुआ भारी नुकसान। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। कोरोना काल के दौरान स्वास्थ्य विभाग में हुए घोटालों पर कांग्रेस पार्टी ने सरकार पर तीखा हमला किया है। बुधवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई जिसमें हिमाचल के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह सहित कांग्रेस के कई विधायक उपस्थित थे। बैठक में स्वास्थ्य विभाग में हुए घोटालों को लेकर सीएम जयराम ठाकुर से इस्तीफे की मांग उठाई गई। इस मामले पर उच्च न्यायालय के सिटिंग जज से जांच व कोविड फंड पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की जाएगी। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने भी स्वास्थ्य विभाग को घोटाला विभाग करार दिया है। उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान सैनिटाइजर घोटाला, PPE किट घोटाला और अब वेंटिलेटर खरीद घोटाला होने का सीधा जिम्मेवार सीएम जयराम ठाकुर को बताया है और इसी के आधार पर उनके इस्तीफे की मांग की गई है। स्वास्थ्य घोटाले के शोर शराबे के बीच एक बार फिर से जयराम कैबिनेट की बैठक बुला ली गई है। बैठक का महत्व इसलिए भी बड़ा है क्योंकि कोविड-19 के बीच ही हिमाचल में स्वास्थ्य घोटाला सामने आया है। उसके चलते कांग्रेस ने कड़े तेवर अपनाते हुए आज विधायक दल की बैठक कर सीएम जयराम ठाकुर से इस्तीफे की मांग रखती है। यही नहीं, कांग्रेस ने ये भी कहा है कि इस मुद्दे को लेकर बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। ऐसे में जयराम सरकार के लिए अब रक्षात्मक वाली स्थिति पैदा हो गई है। सरकार कैबिनेट में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेकर जनता का ध्यान बटाने का काम कर सकती है। बैठक कल यानी गुरुवार सुबह 10 बजे राज्य सचिवालय में होनी है। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर को देश की एक इंडिपेंडेंट एजेंसी IANSC वोटर सर्वे द्वारा किए गए सर्वेक्षण के आधार पर देश का बेस्ट परफॉर्मिंग सीएम और बीजेपी शासित राज्यों में सर्वश्रेष्ठ सीएम घोषित किया गया है। ये ठीक उस वक्त हुआ है जब शिमला में कांग्रेस विधायक दल की बैठक के दौरान प्रदेश में हुए स्वास्थ्य घोटाले के लिए सीएम जयराम ठाकुर से इस्तीफे की मांग की गई है। कांग्रेस की इस मांग से इतर जल शक्ति एवं बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर और शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सीएम जयराम को बधाई देते हुए कहा है कि ये सर्वे संबंधित राज्यों में सभी मुख्यमंत्रियों की संतोषजनक रेटिंग के आधार पर किया गया है। हिमाचल में TGT के 554 पदों पर बैच वाइज भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने भर्ती का शेड्यूल जारी कर जिलों से 15 जून तक पात्र उम्मीदवारों के नाम मांगे हैं। सरकार ने TGT के 900 पद भरने का फैसला लिया है। इसमें से 307 पद कला, 143 पद नॉन मेडिकल और 104 पद मेडिकल संकाय से बैच वाइज भरे जाएंगे। शेष पद कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भरे जाएंगे। टेट पास उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी। 18 से 45 साल की आयु वाले इसमें शामिल होंगे। चयनित TGT को अनुबंध आधार पर नियुक्ति मिलेगी। इन्हें 13,900 रुपए मासिक वेतन दिया जाएगा। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। BPL परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ECH की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा।
प्रदेश में 1194 पदों के लिए ली गई पटवारी भर्ती लिखित परीक्षा के लिए राज्य सरकार आरोप मुक्त हो गई है। पटवारी भर्ती लिखित परीक्षा को चुनौती देने वाली एक याचिका को प्रदेश हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस संबंध में जो याचिका दायर की गई थी उसमें परीक्षार्थियों को गलत परीक्षा केंद्र देने, दो दो परीक्षार्थियों को एक ही रोल नंबर देने, प्रश्न पत्र बांटने में देरी जैसी घटनाएं होने से परीक्षा में बड़े स्तर पर गड़बड़ियां गिनाई गई थी, लेकिन सीबीआई जांच में ये सारे आरोप निराधार पाए गए। राज्य सरकार ने 14 दिसंबर 2019 को पटवारी परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया था, लेकिन जिन भी अभ्यर्थियों का चयन हुआ था उन्हें कोर्ट के फैसले तक ट्रेनिंग पर ना भेजे जाने का फैसला लिया गया था। हिमाचल में बुधवार के दिन कोरोना के 12 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें से सुबह के समय जनजातीय जिला किन्नौर से दो, शिमला व बिलासपुर से एक एक कोरोना का मामला सामने आया था। इसके बाद दूसरे पहर कांगड़ा जिला में कोरोना के 4 पॉजिटिव मामले सामने आए, जबकि बुधवार शाम को हमीरपुर और मंडी से भी कोरोना के दो दो नए मामले सामने आए हैं। हिमाचल में कोरोना वायरस के कुल मामलों का आंकड़ा 357 पहुंच गया है और एक्टिव केस 204 हो गए हैं, साथ ही कुल 5 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। इसके साथ ही कांगड़ा व ऊना में आज 8 लोग हुए हैं। प्रदेश में आज तक की कोविड-19 मामले में सबसे बड़ी चूक सामने आई है। बुधवार को कोरोना पॉजिटिव आए मध्य प्रदेश से लौटे व्यक्ति को तो संसारपुर टेरेस में क्वारंटाइन कर लिया गया, जबकि उसके साथ आई उसकी पत्नी को क्वारंटाइन सेंटर संसारपुर टेरेस में क्वारंटाइन करने की बजाय घर भेज दिया गया। फतेहपुर के लुठियाल पंचायत के बधाल निवासी 30 वर्षीय व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ टैक्सी में मध्य प्रदेश से लौटा था, जिसको क्वारंटाइन सेंटर संसारपुर टेरेस में क्वारंटाइन किया गया, जबकि उसकी पत्नी को घर भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि यह महिला मध्य प्रदेश से लौटने के बाद मायके चली गई और वहां भी पंचायत में इसकी जानकारी नहीं दी। इस लापरवाही का नतीजा अन्य लोगों को भी भुगतना पड़ सकता है। हिमाचल प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। 3 दिन से रुक रुक कर लगातार झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। शिमला में बुधवार को बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। दोपहर बाद राजधानी में बारिश शुरू हुई और इस दौरान जमकर ओलावृष्टि भी हुई। भारी बारिश होने से राजधानी शिमला की कई दुकानों में पानी घुस गया और राम बाजार में बारिश के साथ दुकानों में सामान भी बह गया। मौसम विभाग ने 4 जून से 6 जून तक पूरे प्रदेश में बारिश और तूफान की उम्मीद जताई है। 5 और 6 जून के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिला शिमला के उपमंडल रोहडू में रिश्तों को कलंकित करने वाली घटना सामने आई है। चचेरे बहन से चचेरे भाई ने दुष्कर्म किया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 27 मई को वह चचेरे भाई की कार में अपनी बहन के साथ रोहडू से घर लौट रही थी, तो बाउटी नाला के पास भाई ने उसकी बहन को कार से उतारा और कार सिखाने के बहाने सुनसान जगह पर ले गया। सुंगरी के समीप चचेरे भाई ने उसके साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। डीएसपी रोहडू सुनील नेगी ने कहा कि पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मंडी के गोहर उपमंडल की बासा पंचायत में 13 वर्षीय 7वीं कक्षा की छात्रा ने घर पर पंखे के हुक से दुपट्टा बांधकर फंदा लगाकर जान दे दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना के कारण का पता लगाने के लिए छानबीन शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह 7वीं कक्षा में पढ़ रही छात्रा ने किसी बात को लेकर मकान की निचली मंजिल में एक कमरे में दुपट्टे से फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। हालांकि कुछ ही देर बाद छात्रा की दो छोटी बहनें कमरे में आई तो उन्होंने देखा कि उनकी बहन ने फंदा लगा लिया है। जिस समय छात्रा ने फंदा लगाया उस समय उसके परिजन घर में नहीं थे। एसपी मंडी गुरुदेव चंद शर्मा ने घटना की पुष्टि की है। इन्हीं खबरों के साथ आज का रेडियो बुलेटिन यहीं पर खत्म होता है। नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।